नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल भाग्य विधाता में आपका स्वागत है। आज हम ग्राम नेउर गांव खुर्द बोडला ब्लॉक में आए हुए थे, जो कवर्धा में है, है ना। और यहां पर हमने देखा कि धनिये की खेती की जा रही है, बहुत अच्छे से की जा रही है। यहां पर स्प्रिंगलर लगा हुआ है, आप देख ही सकते हैं, और पेडिस्ट्रा पैरा मल्चिंग किया गया है, है ना। पैरा मल्चिंग किया गया है। इसमें सबसे पहले धनिये की खेती में ये किया जाता है कि धनिये में दो बार जुताई किया जाता है इसमें, है ना। और दो बार जुताई कर लिया गया है किसान के द्वारा, और क्या हुआ है, और जो मिट्टी है वो क्या होता है, बड़ा बड़ा साइज का रहता है, उसको पिटाई करते हैं। यहाँ के भाषा में उसको पिटाई करना बोलते हैं, है ना। तो पिटाई करके मिट्टी को भुरभुरा कर लिया गया है, मिट्टी को भुरभुरा कर लिया गया है उसमें अच्छे से। और उसके बाद क्या करते हैं, धनिये की खेती में धनिये की मतलब सिंचाई कर दिया जाता है पूरा खेत में। और उसके बाद पेडिस्ट्रा मल्चिंग या पैरा मल्चिंग बोलते हैं इसमें, देसी विधि है ये, पूरा पैरे से मल्च कर दिया गया है, पूरा ढक दिया गया है खेतों को, है ना। क्या होता है इसमें, जर्मिनेशन अच्छे से होता है मतलब पैरा मल्चिंग में। और क्या होता है, जैसे अगर पैरा नहीं करते हैं तो जर्मिनेशन अच्छे से नहीं हो पाता, है ना। और देख सकते हैं स्प्रिंगलर के द्वारा इसका इरिगेशन किया जा रहा है। इसमें क्या होता है, पानी की बचत होती है और पानी मतलब सभी जगह अच्छे से पहुंच पाता है, और इसमें पानी का लॉस नहीं होता, मिट्टी झरण नहीं होता, है ना, स्प्रिंगलर में। तो ये लगभग 25 से 30 दिन बाद जर्मिनेशन आ जाएगा इसमें, है ना। और इसमें यूरिया डीएपी राखड़ वगैरह डाला गया है, जिससे क्या होगा, पौधे का ग्रोथ अच्छे से हो पाएगा, है ना। चलिए ठीक है, वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।